हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एपिक कल्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपिक कल्चर्स क्या होता है, एपिक कल्चर्स की डेफिनेशन और साथ ही साथ एपिक कल्चर में हॉनीबी का क्या इम्पोर्टेंस रोल है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हॉनीबी जो होती है वह एपिक कल्चर में बहुत मुख्य अपना योगदान प्रस्तुत करती है। तो आज की इस वीडियो में हम एपिक कल्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको एक्वा कल्चर्स के बारे में बताया गया, अगर आप वह वीडियो ना देखे हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एपिक कल्चर है। एपिक कल्चर क्या होता है और उसमें बी का क्या रोल है, यानी कि मधुमक्खी का क्या रोल है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी कल्चर, जिसे हम बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन कहते हैं, यह एक क्या बहुत पुरानी टेक्निक है या मनुष्य के द्वारा बहुत पुराने समय से ही मधुमक्खी का पालन किया जा रहा है। तो एपी कल्चर क्या है, एक बहुत पुरानी टेक्निक है और इससे बहुत पहले समय से ही मनुष्य इससे परिचित है। क्या होता है एपी कल्चर, इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो एपी कल्चर इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रेयरिंग हॉनी बी। एपी कल्चर क्या है, साइंटिफिक मेथड से अगर हम मधुमक्खियों का हम उसकी रेयरिंग कर रहे हैं। सो एपी कल्चर इज सिंपली डिफाइंड एज केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉनी एंड वैक्स और कॉल्ड एज एपी कल्चर और बी कीपिंग। मधुमक्खियों का मनुष्य के प्रबंधन में अपनी मनुष्य अपनी देखभाल में उनका केयर करे, उनका मैनेजमेंट करे और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्स और हनी, शहद या फिर वैक्स यानी मोम के लिए। अगर वैक्स या हनी के लिए मनुष्य मधुमक्खियों का प्रबंधन करे, उनका केयर करे, मैनेजमेंट करे, तो उसे हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अनुसार अगर आप मधुमक्खियों का वैज्ञानिक ढंग से पालन करते हैं, उनका केयर करते हैं शहद के लिए या फिर मोम के लिए, अगर मधुमक्खियों को पाला जाता है तो उसे एपी कल्चर कहते हैं। इसके अलावा जिस एरिया में एपी कल्चर किया जाता है उसे एपियरी बोलते हैं और जो पर्सन यानी जो ह्यूमन इस कल्चर को करता है उसे एपियरिस्ट बोलते हैं। तो अगर इसके बाद इसके अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा और जीनस इसका जो है एपिस है। एपिस जीनस है और इस जीनस की बहुत सारी स्पीसीज है। वर्ल्ड में चार प्रकार की स्पीसीज ही बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो ये जो हनी क्या है, हनी एक क्या है, सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट का मतलब एक क्या है, सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट आप उसे बोलेंगे जैसे ऐसे सारे इंसेक्ट जो एक ग्रुप में रहते हो, जो एक ग्रुप बनाकर रहते हो और काम के आधार पर, उनके वर्क के आधार पर उनका डिवीजन हो। जैसे वर्क के आधार पर क्वीन, ड्रोन वर्कर, ये सब क्या वर्क के आधार पर उनका डिवीजन हो, तो ये सारे जो कीट होंगे उन्हें हम सोशल इंसेक्ट या सामाजिक कीट कहेंगे। तो ये क्या है, हॉनी बी एक क्या है, एक सामाजिक कीट है। हॉनी बी इज द सोशल इंसेक्ट। इसके अलावा हॉनी बी का जो कॉलोनी होती है उसे बी हाइव या हॉनी कॉम बोलते हैं, हिंदी में इसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। हॉनी बी जो है उसका जीनस एपिस है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लगभग चार ही प्रकार की स्पीसीज का कल्चर किया जाता है। तो इसमें जो पहला है वह एपिस डॉर्सेटा है, दूसरा एपिस इंडिका और तीसरा एपिस फ्लोरिया, चौथा जो है वह एपिस मेलिफेरा। तो इसमें जो पहला एपिस डॉर्सेटा है इसे हम रॉक बीज भी बोलते हैं और यह बहुत आक्रामक मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों की एक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें जो पाया जाता है वह हॉनी जो रहता है वह सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यह बहुत आक्रामक होने के कारण इसे जायंट बीज भी बोलते हैं और इसका कल्चर बहुत कम किया जाता है। और इसके अलावा जो एपिस इंडिका है, एपिस इंडिका को हम इंडियन बी भी बोलते हैं और इसका कल्चर किया जाता है, लेकिन एपिस डॉर्सेटा की तुलना में इसमें जो हॉनी का प्रोडक्शन होता है वह बहुत इसकी तुलना में कम होता है। इसके अलावा जो तीसरा है एपिस फ्लोरिया, इसे हम लिटिल बी बोलते हैं और यह एक छोटी मधुमक्खी होती है। और इसके बाद जो चौथा वा एपिस मेलिफेरा, इसे हम यूरोपियन बी बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा हम एक एक को तो डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या पहला एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा को हम रॉक बी भी बोलते हैं और ये क्या है, बहुत ज्यादा आक्रामक होती है, सबसे बड़े आकार की होती है और आसानी से इनका कल्चर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक खासियत इसमें रहती है, हनी का प्रोडक्शन जो रहता है वह सबसे ज्यादा इससे हमें मिलता है। जिसमें पॉइंट्स पहला जो है, इट इज द लार्जेस्ट हॉनी बी विच इज अबाउट 20 mm इन लेंथ एंड सो कॉल्ड जायंट बी। या क्या होती है, सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है और इसके आकार लगभग 20 mm का होता है
और इसे हम जॉइंट हनी भी बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, ए सिंगल हनीकॉम मेक 60 पॉइंट 27 केजी हनी, मतलब एक सिंगल कॉम में के एक छत्ते में लगभग इसमें 60 पाउंड कितना हमें हनी मिल जाता है, लगभग 27 केजी हनी एक ही छत्ते में हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी कंपेरिजन टू अदर स्पीसीज, और स्पीसीज की तुलना में इसमें जो हनी का प्रोडक्शन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसमें अगला जो है, दे आर वेरी एक्टिव एंड ड्यू टू देयर फोरेसियस नेचर दे आर नॉट नॉन डोमेस्टिकेबल, मतलब इसकी जो फोरेसियस नेचर की वजह से इसका डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता, मतलब इसका कल्चर जो है इनकी फोरेसियस नेचर की वजह से, बहुत ज्यादा आक्रामक नेचर की वजह से इसका कल्चर संभव नहीं, बहुत कम किया जाता है। और इसमें लेकिन क्वालिटी क्या है, इसमें हनी का प्रोडक्शन जो होता है वह सबसे ज्यादा होता है, आक्रामक होने के कारण इनका कल्चर बहुत कम किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी स्पीसीज है वह एपिस इंडिका, इसे इंडियन भी बोलते हैं, और इसका जो कल्चर होता है वह इंडिया में भी किया जाता है, बहुत जेंटल नेचर की ये होती है, बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होती, बहुत जेंटल नेचर की होती है। भारत में भी इसका यूज किया जाता है एपी कल्चर के रूप में। और इसके अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। दे आर प्रेफर टू लिव इन डार्क प्लेसेज बाई मेकिंग पैरेलल कॉम्ब, मतलब ये डार्क प्लेसेस में रहना ज्यादा पसंद करती हैं और पैरेलल कॉम्ब को बनाती हैं, मधुमक्खी की छत्ते को पैरेलल बनाती हैं। ऑन फुट आर प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं उनमें अपने कॉम्ब को बनाना पसंद करती हैं। दे आर वेरी जेंटल इन नेचर, ये बहुत सज्जन स्वभाव की होती हैं। सो कैन वी डोमेस्टिकेटेड सो इजली, इसका जो डोमेस्टिकेशन है वह इजली आसानी से किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ हनी मच लेस, इसमें जो प्रोडक्शन होता है हनी का जो प्रोडक्शन होता है इसमें कम होता है। दैट फर्स्ट वन अराउंड 6 to 7 pounds, लगभग इसमें 6 to 7 pounds का ही हनी का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद जो हनी बी की नेक्स्ट स्पीसीज है वह एपिस फ्लोरिया, जिसे लिटिल बी भी बोलते हैं, या आकार में छोटी होती है, और इसका यूज जो होता है वह एपिस इंडिका की तुलना में कम होता है, लेकिन तभी यूज होता है इसका। और इसके पॉइंट्स की बात करें तो दे आर स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस इंडिका, ये एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका की तुलना में छोटी होती हैं। एंड इल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, और इसमें आकार छोटी होने की वजह से ये जो हनी का जो प्रोडक्शन होता है इनसे वो कम होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी। और ही प्रोड्यूस 250 ग्राम्स ऑफ हनी पर कॉम, इनके प्रत्येक कॉम से लगभग 250 ग्राम हनी का लिया जा सकता है। बट लेकिन इसमें क्वालिटी क्या होता है, मोस्ट स्वीट हनी ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्पीसी, सबसे मीठा जो शहद होता है वह एपिस फ्लोरिया की स्पीसीज से हमें मिलता है, और ये जो मक्खियां होती हैं बहुत कम काटती हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होती, और लेकिन इनसे जो हनी जो निकलता है कम निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मीठा शहद जो मिलता है वह एपिस फ्लोरिया से मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज है वह एपिस मेलिफेरा है, इसे यूरोपियन बी के नाम से भी जानते हैं, और जो इसमें हनी जो होता है, हनी का अमाउंट जो होता है कम होता है, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा यूज इसका कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज अधिक किया जाता है। तो इसके पॉइंट्स जो है, इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हनी, यह हनी का अमाउंट इसमें कम होता है, बट इट इज द बेस्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज की या कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज अधिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी, मतलब जो मधुमक्खियों में जो अपना सामाजिक संगठन है उनके बारे में। तो हमने अभी आपको बताया कि हनी बी में क्या होता है, एक सोशल इंसेक्ट है, हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, और इनमें एक सामाजिक संगठन होता है। काम के आधार पर तीन तरह के कास्ट में इन्हें डिवाइड किया जाता है, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। तो इनकी अलग अलग काम है, इसके आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है, इनके काम के आधार पर। इसमें जो क्वीन होती हैं वह फर्टाइल फीमेल होती हैं, वर्कर जो होते हैं वह स्टेराइल फीमेल होते हैं, और ड्रोन जो होते हैं वह फर्टाइल मेल होते हैं। यानी क्वीन जो होती है वह फीमेल होती है, ड्रोन जो होता है वह मेल होता है, और वर्कर जो होते हैं वह स्टेराइल फीमेल होते हैं। अगर किसी छत्ते के, किसी मधुमक्खी छत्ते की हम टोटल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10,000 से लेकर 60,000 तक इनकी जनसंख्या होती है किसी भी हनीकॉम में, और जिसमें लगभग क्वीन जो होती है वह किसी भी छत्ते में, किसी भी हनीकॉम में जो क्वीन होती है उसकी संख्या एक होती है, और उसके लिए अलग से चैम्बर बने रहते हैं जिसे रॉयल चैम्बर बोलते हैं,
उस चैम्बर में क्वीन रहती है और इसकी जो लाइफ साइकिल है लगभग 2 से लेकर 5 साल तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। ड्रोन्स जो होते हैं, ड्रोन्स की संख्या पूरे जो छत्ते होते हैं उनमें जो ड्रोन्स की संख्या जो होती है वह लगभग 1 या 2 दर्जन होते हैं, और उसके अलावा जो 80 से 90% जो और मक्खियां होती है वे सब वर्कर होते हैं। और ये जो होते हैं ये बहुत सारा जितना भी काम रहता है वर्कर का पूरा काम रहता है, और जो मेल का जो इसमें ड्रोन का जो काम रहता है वह सिर्फ फीमेल को फर्टिलाइज करना, और क्वीन का काम सिर्फ रहता है एग लेइंग यानी अंडे देना। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मधुमक्खियों में जो सामाजिक संगठन है जैसे क्वीन, वर्कर और ड्रोन, इन सब के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वीन, क्वीन क्या होती है? क्वीन बी इज ए ओनली फर्टाइल फीमेल एंड लार्ज इन साइज। क्वीन क्या हो? जो क्वीन मक्खी होती है वह फर्टाइल फीमेल होती है, और इसकी साइज जो होती है वह देखिए, जो क्वीन मक्खी होती है वह वर्कर और ड्रोन की तुलना में सबसे बड़ी होती है, और इसकी साइज जो होती है वह 15 से लेकर 20 mm इन लेंथ होती है। फीड ओनली रॉयल जेली या सिर्फ इसके लिए वर्कर के द्वारा दिया गया भोजन जो रहता है वह रॉयल जेली होता है, और इस रॉयल जेली को ही सिर्फ यह फीड बोल करती है। मदर ऑफ कॉलोनी, यह मदर कहलाती है कॉलोनी की, या मदर कहलाती है। इसमें वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, इसमें जो मोम के सिक्रीशन के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं वह सिर्फ वर्कर्स में पाए जाते हैं। वर्कर के जो एब्डोमिनल रीजन होता है वहां पर उसकी वैक्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा वैक्स का सिक्रीशन होता है, लेकिन जो क्वीन होती है इनमें वैक्स का सिक्रीशन नहीं होता। क्वीन का सिर्फ एक ही काम है एग लेइंग। लाइफ लिव फॉर 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल इसकी लाइफ साइकिल होती है। एग लेइंग द रेट ऑफ 1500 to 2000 पर डे, यानी एग लेइंग की जो कैपेसिटी इसकी होती है एक दिन में लगभग 1500 से लेकर 2000 अंडे देती है। इसके बाद जो दूसरी कास्ट है वह वर्कर है। वर्कर क्या होते हैं? वर्कर के पास वेल डेवलप स्टिंग होता है, इसमें जो डंक रहता है वह वेल डेवलप रहता है, और जिसकी वजह से अगर कोई घटना घटती है तो ये अच्छी तरीके से अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी, पूरी कॉलोनी में जो वर्कर होते हैं वे सबसे छोटे होते हैं। सबसे बड़ी क्वीन होती है, उसके बाद ड्रोन होते हैं, और ड्रोन के बाद जो होते हैं वह वर्कर होते हैं साइज में। तो साइज सबसे ज्यादा बड़ी क्वीन की होती है, उसके बाद ड्रोन की होती है, तब जाकर वर्कर की। ये छोटे साइज में होते हैं लेकिन एक काम बहुत करते हैं। इसमें वैक्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वैक्स ग्लैंड्स फॉर वैक्स सिक्रीशन आर फाउंड इन वर्कर। वर्कर जो होते हैं उनके एब्डोमिनल रीजन पर वैक्स ग्लैंड्स पाए जाती है जिनसे वैक्स का सिक्रीशन होता है। दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से इनका डेवलपमेंट होता है, एंड लिव इन वर्कर चैम्बर। वर्कर चैम्बर में रहते हैं। क्वीन के लिए अलग चैम्बर होता है जिसे रॉयल चैम्बर बोलते हैं। क्वीन रॉयल चैम्बर में रहती है, वर्कर के लिए अलग चैम्बर होता है, और जो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए अलग चैम्बर होता है। तो वर्कर लिव इन चैम्बर, ये मतलब वर्कर जो होते हैं अपने चैम्बर में रहते हैं। कन्वर्ट इन एडल्ट 21 डेज, लगभग 21 दिन में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लाइफ स्पॉन इन 6 वीक, इनका जो लाइफ साइकिल होती है वह लगभग 6 वीक होती है। दे परफॉर्म हार्ड ड्यूटीज, इनका जो काम रहता है बहुत ज्यादा रहता है। दे परफॉर्म हार्ड ड्यूटीज कंपेरिजन टू अदर कास्ट, अन्य कास्ट की तुलना में, अन्य जो ड्रोन या क्वीन की तुलना में ये जो होते हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे वर्कर हैव स्ट्रांग विंग, वर्कर के पास जो पंख रहते हैं बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं। एंड फॉर फ्लाइंग एंड फाइंडिंग ऑफ कॉम्ब, ये अपने पंख की सहायता से पूरे कॉम्ब में फाइंडिंग करते हैं, क्योंकि जो शहद जो रहता है यानी जो हनी रहता है वो उसमें लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। जब वो हनी जब अपने हनी कॉम्ब में रहता है तो उसमें लिक्विड की मात्रा अधिक रहती है, लगभग 80 से लगभग 90% तक उसमें वाटर की मात्रा रहती है। ये अपने जो वर्कर्स होते हैं इस पे जब बैठते हैं तो वे अपनी पंखों से उससे फाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वाटर है, हनी का जो वाटर है वो बहुत तेजी से एवापोरेट होता है, और बाद में जो हनी जो बनकर तैयार होती है उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें जो हनी रहती है वह देखने को मिलती है। तो जो ये जो वर्कर होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं अपने फाइनिंग से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ही हैव लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग एंड द नेक्टर। इसके बाद जो प्रोबोसिस का जो रीजन रहता है बहुत ज्यादा डेवलप रहता है सकिंग द नेक्टर, नेक्टर्स को सक करने के लिए। इसमें जो
प्रोबोसिस का जो रीजन रहता है बहुत सही होता है। इसके बाद अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स इज द मेल मेंबर ऑफ कॉलोनी। ड्रोन्स क्या होते हैं? कॉलोनी के मेल मेंबर होते हैं। ही फर्टिलाइज द क्वीन। इनका जो काम होता है फीमेल यानी क्वीन को सिर्फ फर्टिलाइज करना। ड्रोन्स का सिर्फ एक ही काम होता है फीमेल यानी क्वीन को फर्टिलाइज करना। सो कॉल्ड किंग ऑफ कॉलोनी, इसलिए इसे कॉलोनी का किंग भी बोलते हैं। एंड ड्रोन कैन लिव अप टू एडल्ट 60 डेज, यानी जो ड्रोन्स होते हैं जब वो एडल्ट होते हैं लगभग 60 डेज तक ये रह सकते हैं। स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड एब्सेंट, इनमें कोई डंक नहीं पाया जाता। जो ड्रोन्स मक्खियां होती हैं जो नर मेंबर होते हैं कॉलोनी के उसमें कोई डंक नहीं पाया जाता ना ही उनमें कोई वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। हे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, ये अनफर्टिलाइज एग से इनका डेवलपमेंट होता है। और ओवरऑल जो ड्रोन्स का वर्क सिर्फ होता है वह फीमेल को यानी क्वीन को सिर्फ फर्टिलाइज करना। दी ड्यूटीज ऑफ ड्रोन ओनली फर्टिलाइज दी वर्जिन क्वीन, जो ड्रोन का जो काम होता है वह सिर्फ वर्जिन क्वीन को फर्टिलाइज करना। कारण क्या होता है कि ये अनडाइड आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। यानी जो भी ड्रोन से कॉपुलेशन करता है उसके बाद उसकी स्वार्मिंग या न्यूपशियल फ्लाइट के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इनका काम सिर्फ यही है फीमेल को फर्टिलाइज करना। इसके बाद अगर हम हॉनीबी के लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है दी 7 डेज ओल्ड वर्जिन क्वीन गोज आउट फ्रॉम हाइव विद सम ड्रोन। जो 7 दिन की ओल्ड ओरिजिन जो क्वीन रहती है वह कुछ ड्रोन के साथ छत्ते से बाहर जाती है। दी प्रोसेस कॉल्ड न्यूपचुअल फ्लाइट, या जो प्रोसेस होता है इसे न्यूपचुअल फ्लाइट बोलते हैं या फिर मैरिज फ्लाइट बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं। और वहां पर ये किसी एक ड्रोन के साथ या फर्टिलाइज करती है। और इसके बाद जो ड्रोन्स होते हैं उनकी हवा में ही डेथ हो जाती है। ओनली वन ड्रोन कॉपुलेट विद क्वीन, एक क्वीन को जो क्वीन होती है उसे सिर्फ एक ही ड्रोन फर्टिलाइज करता है। और जो बाद में जो ड्रोन्स बचे रहते हैं उन्हें जब वो रिटर्न आते हैं तो उन्हें जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भगा देते हैं, उनके पंख नोच देते हैं। ड्रोन रिलीज 2 करोड़ स्पर्म इन क्वीन बॉडी, जो ड्रोन्स होते हैं वो लगभग 2 करोड़ स्पर्म को क्वीन के बॉडी में रिलीज करते हैं। और उसके बाद जो ड्रोन्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो स्पर्म होता है वह क्वीन के बॉडी में एक ऑर्गन स्पर्मेथिका होता है, वहां पर जाकर वह स्टोर हो जाता है। स्पर्म स्टोर इन स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका में जो स्पर्म रहता है वह स्टोर हो जाता है। और स्पर्मेथिका इज द स्पेशल ऑर्गन ऑफ क्वीन, जो स्पर्मेथिका होती है वह क्वीन में एक स्पेशल ऑर्गन होता है। आफ्टर कॉपुलेशन क्वीन रिटर्न टू दी हाइव, और कॉपुलेशन के बाद जो क्वीन होती है वह अपने हाइव में आती है, अपने छत्ते में आती है। और क्वीन के पास ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो जो स्पर्म होते हैं उसको अपने हिसाब से वह रिलीज करती है। क्योंकि जब वह एक देती है तो वह अपने ऊपर निर्भर करती है वह उसे फर्टिलाइज करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वह उसके स्पर्मेथिका नाम की ऑर्गन्स होते हैं वहां पर जाकर वह स्टोर रहते हैं। द क्वीन हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द स्पर्म, क्वीन जो होती है उसके पास कैपेबिलिटी होती है स्पर्म को रिलीज करने के लिए। फॉर द स्पर्मेथिका वेयर स्पर्म इज स्टोर्ड, जहां पर स्पर्म स्टोर्ड रहता है वहां से वह रिलीज करने के लिए उसमें क्षमता होती है, अपने हिसाब से उसे एक जो देती है उसे वह अनफर्टिलाइज करेगी या फर्टिलाइज करेगी, वह इसके पास वो क्षमता होती है, वह अपने हिसाब से ऐसा करती है। इसके बाद अब हम हॉनीबी में जो उनके सामाजिक संगठन के आधार पर, उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो विभाजन किया गया है ड्रोन्स वर्कर क्वीन में, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है तो इसके बारे में अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि जो क्वीन है वह एग लेइंग कर रही है। एग लेइंग करने के बाद अगर वह एक फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज एग, क्योंकि फीमेल के पास तो कैपेसिटी है स्पर्मेथिका नाम के जगह पर, वहां पर स्पर्म स्टोर्ड है, वह अपने अनुसार उसे फर्टिलाइज एग अनफर्टिलाइज एग को देती है। अगर एक फर्टिलाइज रहता है तो उसे हैच किया जाता है, और हैच करने के बाद फीड ऑन द रॉयल जेली फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। देखिए ये जो रॉयल जेली होती है ये वर्कर के द्वारा खिलाया जाता है, और जो लार्वा होते हैं इसको भी वर्कर ही हैच करते हैं। क्योंकि क्वीन का सिर्फ एक ही काम होता है वो लगभग सिर्फ अंडे देना, लगभग 1500 से 2000 अंडे देती है, और इसके अलावा उसका कोई वर्क नहीं रहता। उसके बाद एग लेइंग करने के बाद जो वर्कर्स होते हैं उस एग को हैच करते हैं, उसको रॉयल जेली खिलाते हैं। तो इसमें जो रहता है फीड ऑन रॉयल जेली फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक इसे वर्कर जो रहते हैं वह रॉयल जेली खिलाते हैं। उसके बाद रॉयल जेली रिप्लेस्ड बाई हनी एंड प्री डाइजेस्टेड पॉलन, कुछ दिनों तक रॉयल जेली खिलाने के बाद
इसे उसके बाद प्री डाइजेस्टेड फूड जैसे पॉलेंस वगैरह जो रहते हैं उनको खिलाना शुरू कर देते हैं। ये सब निर्भर करता है वर्कर के ऊपर। तो वर्कर अगर जिस प्रकार की डाइट देंगे, जिस प्रकार का भोजन देंगे, उसी प्रकार से इनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो वर्कर होते हैं कुछ दिन तक तो रॉयल जेली खिलाते हैं, बाद में क्या करते हैं प्री डाइजेस्टेड फूड खिलाते हैं, मतलब मुंह में जो पॉलेंस वगैरह लाते हैं बाहर से, फूल से रस वगैरह सक करके, तो उसको बाद में फिर देना शुरू कर देते हैं। फिर पॉलेंस देने के बाद ये जो कन्वर्ट होते हैं प्यूपा में, और प्यूपा से फिर ये बाद में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वर्कर में। इसके बाद जो दूसरी तरफ इधर है जो रॉयल जेली फीडिंग कंटिन्यू, अगर रॉयल जेली को कंटिन्यू फीड कराया जाए, कंटिन्यू सिर्फ रॉयल जेली ही दिया जाए, अगर उसमें प्री डाइजेस्टेड फूड उनको ना दिया जाए, तो बाद में प्यूपा में चेंज होंगे और उसके बाद क्वीन हो जाएंगे। उन्हें वर्कर ये निर्भर करते हैं कि उन्हें किस प्रकार की काष्ठ की जरूरत है। अगर वो रॉयल जेली खिलाएंगे, कंटिन्यू फर्टिलाइज एग है और उसे लगातार रॉयल जेली ही खिलाया जाएगा, तो वो क्या होंगे, वे क्वीन में बदल जाएंगे। रॉयल जेली क्या होता है? रॉयल जेली एक प्रकार का न्यूट्रेटिव मटेरियल होता है जो वर्कर्स रहते हैं वे बाहर से जो पॉलेंस वगैरह इन सबको सक कर अपने अंदर इंटेस्टाइन में ले लेते हैं। बाद में फिर जब वे छत्ते में वापस आते हैं तो इन्हीं जो रॉयल जेली होती है इसे ओमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाद में इसे इन लार्वाज को खिलाते हैं। और वे निर्भर करते हैं कि हमें किस प्रकार की कास्ट की जरूरत है, और बाद में जो उन्हें जरूरत जैसा रहा तो हिसाब से अपने कास्ट को बना लेते हैं। तो अगर रॉयल जेली को कंटिन्यू खिलाया जाएगा तो एक क्वीन में बदल जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर है अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज अगर क्वीन अनफर्टिलाइज क्वीन के द्वारा दिए गए जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उनसे अगर उनको फिर क्या करते हैं वर्कर हैच करते हैं, उनके लार्वा को हैच करते हैं फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक फीड ऑन रॉयल, कुछ दिनों तक उन्हें रॉयल जेली दी जाती है सलाइवा ऑफ वर्कर, वर्कर के सलाइवा से उन्हें रॉयल जेली दी जाती है, देन ऑन हनी एंड प्री डाइजेस्टेड पॉलन। देखिए कुछ दिनों तक तो इसमें रॉयल जेली दी जाती है, बाद में फिर करते क्या है वर्कर इन्हें पॉलेंस वगैरह या प्री डाइजेस्टेड पॉलन वगैरह जो रहता है उसको देना शुरू कर देते हैं, और बाद में फिर यही कन्वर्ट होकर पीपा में जाता है, पीपा से यह कन्वर्ट हो जाता है ड्रोन में। तो इस तरीके से उनके फूड के हिसाब से वर्कर यह सब निर्भर करते हैं उन्हें किस प्रकार के कॉस्ट की जरूरत है। क्वीन का काम सिर्फ होता है एग लेइंग करना, और एग लेइंग वो अपने हिसाब से करती है। अगर एग जो रहता है वह फर्टिलाइज रहता है तो उससे सिर्फ दो ही चांस है, या तो वर्कर होंगे या तो क्वीन होंगी, और जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं अनफर्टिलाइज एग से सिर्फ ड्रोन्स होते हैं। और जो क्वीन होती हैं, क्वीन जो होती हैं वे हेक्सागोनल जो सेल्स होते हैं कॉम में उसमें अपने एग को देती हैं, बाद में एग देने के बाद ये वहां से हट जाती हैं, और जो ये वर्कर्स होते हैं उसको हैच करते हैं, उस एग को हैच करते हैं, और हैच करने के बाद उनका लार्वा जो रहता है वो डेवलप होता है, उसके बाद दो चार दिन के बाद उस लार्वा को सील कर देते हैं, बाद में वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा के बाद जब वो लार्वा थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो उसे काट कर जो सील किए रहते हैं उसे काट कर वह बाहर निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने एपी कल्चर्स के बारे में देखा, एपी कल्चर क्या होता है, और साथ ही हॉनीबी के इंट्रोडक्शन और हॉनीबी की स्पीसीज के बारे में और इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो अगर यह वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।